हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम ज्योतिका, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिकास क्रिएटिविटीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ये ऑर्नामेंटल चिली का प्लांट, जो कि बहुत ही स्पाइसी होती है। स्टार्टिंग में ये डार्क पर्पल ब्लैकी से कलर की होती है, बाद में जो है मैच्योर होने के बाद ये रेड हो जाती है। और जब ये रेड हो जाए तो आप प्लीज़ इन्हें अपने प्लांट्स में से हटा दीजिए, नहीं तो ये कर जाएगी आपके प्लांट का बहुत ज़्यादा नुकसान। आपके प्लांट का जो है पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी इसी पे ही स्पेंड हो जाएगी और प्लांट्स में जो बर्ड्स बन रही है वो भी मिर्च बनने से पहले ही गिर जाएगी, क्योंकि इस रेड चिलीज में होते हैं सीड्स। हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें कलेक्ट करके भी रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जो ये प्लांट है बिल्कुल छोटा सा ग्रो किया था विंटर में, तब से ही इस पर इस तरह से ही चिली आ रही है। मुझे तो पता भी नहीं कि इसका किस तरह से कहाँ पे यूज़ होता है, ना ही मैंने कभी इसका यूज़ किया है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ओके फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसकी केयर कैसे करें। पहले तो आप इसे चाहे ग्राउंड में लगाएं, चाहे पॉट में लगाएं, इसे वहाँ पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो या जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, तो ही आपकी चिली जो है ये ग्रो कर पाएगी। इसे प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल ना लगाएं। और फ्रेंड्स, स्पेशली बारिश के सीज़न में जो है इस पे पेस्ट के अटैक होते हैं, उनके लिए आप हर वीक इस पे या तो नीम ऑयल का स्प्रे करें या डिश वॉश का स्प्रे करें। और रेनी सीजन में है आप इसकी हार्ड ब्रोनिंग करें, ताकि आपका प्लांट जो है ये और ज़्यादा घना हो जाए और इस पर काफ़ी सारी चिलीज आ जाए। मोस्टली क्या होता है कि आपके प्लांट्स में है फ्लावर तो आते हैं, बट वो चिलीज बनने से पहले ही गिर जाते हैं, क्योंकि उस पर होता है फंगस का अटैक या कीड़ों का अटैक। आप जो है उसके लिए इस पर इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें और हर 15 दिन में कोई सॉलिड सा फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि है आपके प्लांट के फलार भी ना गिरें और बहुत सारी चिलीज आए। हाँ, आप इसे बनाना पील्स का लिक्विड भी दे सकते हैं। और जैसे कि अब गर्मी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। आगे जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी जून में, ये अपने सारे फलार गिरा देगा। और दोस्तों, आप इसे जो है ज़्यादा पानी दें, क्योंकि मैं तो इसे दिन में कम से कम 3 बार पानी देती हूँ। और फ्रेंड्स, मोस्टली हम गार्डनिंग में ये मिस्टेक करते हैं कि अगर हमारा प्लांट छोटा है और उस पर अगर कोई फलार आ भी गया है, तो हमें ये होता है कि ये फटाफट मैच्योर हो जाए, फल या फूल बन जाए। इस लालच में बिल्कुल मत पड़िए, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होने दीजिए, क्योंकि अगर आपके प्लांट की बॉडी हेल्दी होगी तो ही उस पर ढेरों फूल या फलार आएंगे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट्स नेचुरल ढंग से अपने फलार गिरा रहा है, तो वो इस कंडीशन में नहीं होगा कि उसका बोझ उठा पाए। आप परेशान मत होइए, बस आपका काम है प्लांट की केयर करना, जब टाइम आएगा इस पे अपने आप ही फलार आ जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी ऑर्नामेंटल चिली प्लांट की केयर। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।